अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो में फाइनल एग्जिट हुरूप कफाले से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड यानी कि हर तरह का सवाल करते हैं, जिसका मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं, जिससे आपका हर एक डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि इसमें अगर आपका भी कोई सवाल हो तो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला एक सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेरा 27 मंथ हुआ है और नया एकामा नहीं बनाया है और हुरूप भी नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँगा। देखिए, जिनका भी एकामा एक्सपायर हो चुका है या फिर इवन एक्सपायर नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एमबीसी से अपना फाइनल एग्जिट लगवाएं। देखिए, एमबीसी से फाइनल एग्जिट लगवाने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप एमबीसी से फाइनल एग्जिट लगवाते हैं जिनका एकामा नहीं बनता या एक्सपायर हो जाता है, तो वो फिर वापस नए वीज़े पे आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप तहरील से या फिर पुलिस के थ्रू डिपोर्ट होकर के जाते हैं तो आपके ऊपर छोटा मोटा एलिगेशन लगा करके आपको बैंड कर दिया जाता है। तो इसलिए आप एमबीसी से फाइनल एग्जिट लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 60 दिन से 90 दिन के अंदर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है और उसमें कोई आपसे सवाल भी नहीं करेगा, बस आप अपना बता दें कि मेरा फाइनल एकामा नहीं बना या एक्सपायर, जो भी आपका मसला है। सिर्फ मतलूब वाले को हुरूप वाले को थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, माय प्रोफेशन क्लीनर बट आई हैव सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस, हाउ टू चेंज ऑनलाइन माय प्रोफेशन, आई नीड माय प्रोफेशन ड्राइवर। तो देखिए, अगर आपका प्रोफेशन चेंज करना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है चाहे जो भी है, तो प्रोफेशन चेंज करने के एकामा का प्रोफेशन चेंज करने के लिए मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना के पूरा मुकम्मल बना के रखा है, आप उस वीडियो को देखें, आपका हर एक डाउट ही क्लियर हो जाएगा जिन लोगों का भी एकामा का प्रोफेशन चेंज करना हो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, भाई मुझे छुट्टी जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो देखिए भाई, छुट्टी जाना है तो छुट्टी आप जब भी जा सकते हैं, 2 साल के बाद ही जा सकते हैं, इमरजेंसी छुट्टी का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है एज़ पर सऊदी लेबर लॉ, और कहीं पे भी कोई भी रास्ता नहीं है। अगर कंपनी आपको दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2 साल के बाद अगर नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं मकतब उमल से, और इंशाल्लाह छुट्टी भी लग जाता है उन लोगों का। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई एकामा में डेट 1 से 2 मंथ का है, कंपनी को बिना मालूम चेंज कर सकते हैं क्या। नहीं, नहीं कर सकते भाई। अगर आपका एकामा वैलिड है, सबसे पहली बात है, तो आप तो बिना परमिशन के कफाला नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका एकामा वैलिड भी है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तब फिर उस केस में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल तक अपने स्पॉन्सर के पास काम किया हुआ होना चाहिए, तभी आप नकल कफाला का हक रखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, आमिल मंजिल में हैं, 15 साल हो गया है, हुरूप लगा है, कुछ हो सकता है। तो देखिए भाई, जिन लोगों का भी हुरूप लगा हुआ उनके लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं है, बस आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले जो है हुरूप वालों का अपडेट आया था जबजात की तरफ से कि जिनके ऊपर हुरूप है वो कफाला ले सकें, लेकिन अभी तक इस साल में ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। इंशाल्लाह आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपका नकल कफाला हो जाएगा उस टाइम, लेकिन अभी इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं आया। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं आया हूँ, 6 मंथ हो गया है, लेकिन मैंने क्यूआ पे एग्रीमेंट साइन नहीं कराया है, क्या मैं दूसरे कंपनी में कफाले क्या परमिशन बिना ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। नहीं, नहीं ले सकते हैं भाई। देखिए, क्यूआ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको 1 साल तक काम किया हुआ अपने स्पॉन्सर के पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्रीमेंट जो है वो डिजिटल है, वो सिर्फ गवर्नमेंट को बताने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और रूल भी यहाँ पे है कि आपको अपने स्पॉन्सर के पास 1 साल काम किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो फिर आप अपना ले सकते हैं, बस आपका एकामा वैलिड होना चाहिए या फिर एक्सपायर होगा तो बिना परमिशन के भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मेरा एग्रीमेंट 10 मंथ का है, ख़त्म होने पर ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। देखिए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 मंथ का है,
अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 मंथ हो बाकी है तो आप अपना नोटिस पीरियड चेक करें, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। अगर बीच में आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर आर्टिकल 80 अप्लाई करेगा कंपनी, जिसके बेस पे फिर आपको कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी भारी अमाउंट में। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कफील से भाग गया हूँ, मैं इंडिया जा सकता हूँ, मैं रियाद में हूँ, एकामा नहीं है, 4 महीना हो गया है, 10 ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, जिन लोगों का भी आप कफील के पास से भाग गए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, चलिए भाग भी गए हैं तो एक बार चेक कर लें कि आपका हुरूप है कि नहीं है, वो बॉर्डर नंबर से चेक हो जाता है या फिर किसी छोटे मोटे जो ऑफिस होते हैं वहाँ भी चेक करवा लेंगे तो आपका हुरूप चेक कर देता है। सेकेंड बात की, अगर आपका एकामा नहीं बना है या एक्सपायर है, दोनों ही कंडीशन में सबसे अच्छा है कि आप एमबीसी से फाइनल एग्जिट लगवाएं और वहां से ही जाएं। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो नमस्कार सर, मैंने पहले चरण साल सऊदी में भागकर काम किया था, उसके बाद मेरे को राष्ट्रीय में पुलिस ने नेपाल गलिए हर मेरे को घर भेज दिया, घर में आया 1 साल हुआ, अब मेरे को एक सऊदी कंपनी वीज़ा दे रहा है, हेरो के आने के लिए एयरपोर्ट पर कुछ मुश्किल होगा कि नहीं, एग्जिट प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर हुरूप के केस में आप जाते हैं, ठीक है, आप भागे हुए हैं तो जाहिर सी बात है हुरूप होगा तो आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी हुरूप के केस में जाते हैं या फिर उनके ऊपर हुरूप भी नहीं था, वो डिपोर्ट होके जाते हैं, अगर उनको आना है तो प्लीज़ आप लोग मदार पेपर निकलवा कर चेक कर सकते हैं और उसमें आपको क्लियर हो जाता है हर चीज़ कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को मदार पेपर निकलवाना हो वो मेरे वीडियो में कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में आपको मदार पेपर निकलवा कर भी दे दूँगा। और जिन लोगों का बहुत सारा कमेंट में सवाल होता है कि भाई आप जो है यूट्यूब के वीडियो में कमेंट का जवाब नहीं देते, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं हर एक कमेंट को पढ़ करके उसका सही सही जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उतना सारा लिखना भी पड़ता है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक बंदे का सवाल को पढ़ूं। जिसको देखते हुए मैंने अभी एक कम से कम 10 से 15 दिन हो गया है मुझे, मैंने एक प्रोग्राम चालू किया है जो कि आप लोग के बेनिफिट के लिए है। मैं डेली 9 से 10 यानी कि पीएम 9 से 10 पीएम रात के 9 से 10 में लाइव स्ट्रीम करता हूं, ताकि आप लोग का जो भी सवाल होता है वो आप स्ट्रीम में करेंगे और मैं उसी टाइम आपका जो जेन्युइन जवाब होगा, जो सही जवाब होगा, जो सही तरीका होगा, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो जो भी भाई मेरा शिकायत करते हैं कि मैं जवाब नहीं देता, तो भाई मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को देखते हुए स्ट्रीम का सिस्टम लाया है 9 से 10 डेली रात में, फ्राइडे छोड़कर के बाकी सभी दिन मैं स्ट्रीम करता हूँ 1 घंटा, और बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं और उनका डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जिन लोगों का जो गुस्सा होते हैं कि भाई आप जवाब नहीं देते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप 9 से 10 डेली रात के 9 से 10 बजे तक सऊदी के टाइम से आप लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़ें और अपना सवाल करें, ताकि मैं आपका हर एक सवाल, हर एक डाउट को क्लियर कर दूँ। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, इजहार भाई, मेरा एकामा एक्सपायर हो गया है तो मैं बगैर कफील से पूछे दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ, मुझे 11 मंथ हो गया है सऊदी में काम करते, आप इसका सोल्यूशन बताएं। देखिए, जिन लोगों का भी, ठीक है, एकामा एक्सपायर हो चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं स्पेशली ये कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि जो कमर्शियल वर्कर होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको 5 दिन हो गया, आपका एकामा एक्सपायर हो चुका है, 5 दिन हो चुका है, ऐसे तो गवर्नमेंट की तरफ से 4 दिन ही है, लेकिन आप 5 दिन ले लें, अगर 5 दिन आपका हो गया है, आपका एकामा एक्सपायर है, आप बिना कफील के परमिशन के कहीं भी जा कर के किसी भी कंपनी में किसी भी कफील के पास जाके ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसमें आपके पुराने कफील का कोई दखल नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं होगा आपका। ठीक है मेरे भाई लोग, तो आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है वो क्लियर करने की कोशिश किया है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर सारे का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ।
और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।